बस्ती सदर कोतवाली और एसओजी टीम ने शातिर टप्पेबाज को अरेस्ट किया है। पुलिस ने 1.82 लाख टप्पेबाजी का नगा, कार, 10 चेक समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पकड़ा गया टप्पेबाज अर्जुन दिल्ली के इंद्रपुरी का रहने वाला है। बीते 4 फरवरी को कानपुर के व्यापारी के कार से 5 लाख के टप्पेबाजी की गई थी। सदर कोतवाली के कटरा में व्यापारी के कार से मोबाइल गिरने का झांसा देकर गाड़ी में बैग में रखा रुपया लेकर फरार हो गए थे। इन टप्पेबाजों को पकड़ने के लिए कई पुलिस की टीम लगाई गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर टप्पेबाज को अरेस्ट कर लिया। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि ये गैंग दिल्ली से कार बुक करके निकलते थे और घूम घूम कर कई जनपदों में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। इसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के अन्य सदस्यों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। देखिए, आज एक अर्जुन पुत्र चंद्रशेखर निवासी ई ब्लॉक ये 281 सेकेंड फ्लोर इंद्रपुरी जे कॉलोनी थाना इंद्रपुरी दिल्ली से का रहने वाला है, जिसको कि आज यहाँ पे पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पकड़ा गया है और इसके पास से करीब 1,82,000 रुपया मिला है। एक हीरो होंडा की जो गाड़ी है, होंडा अमेज, वो इनके पास से मिली है। एक बैग मिला है, इसके अलावा जो बैग में काफी सामान मिला है, चेक वगैरह। एक घटना यहाँ पे थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 4 फरवरी को घटित हुई थी, जिसमें एक व्यापारी की गाड़ी को टप्पेबाजों ने उसको कुछ बहका के और उसकी गाड़ी का बोनट खुलवाया। उसके बाद में इसी दौरान उसका एक बैग उसमें से निकाल लिया था, जिसमें व्यापारी के द्वारा बताया गया था कि करीब उसमें 4-4.5 लाख रुपया था। और उसी को ये इस घटना को अंजाम देने वाले यही व्यक्ति थे। इनके साथ में और इनके 3 साथी थे, जो कि ये लोग दिल्ली से उस दिन निकले थे और बरेली होते हुए, लखनऊ होते हुए फैजाबाद में रुके थे। फैजाबाद से फिर दूसरे जगह चले, तब इन्होंने बस्ती में इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद में गोरखपुर और बनारस होते हुए वापस दिल्ली वापस चले गए थे। तो ये एक शातिर गैंग है। जो अर्जुन नाम का जो व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके अगेंस्ट काफी पुराने मुकदमे, 2004 में भी ये जेल गया है। इसके अलावा 2010, 2014 और 2018, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है।